पर देख सकते हैं आप, यह करमाली करमाली जनजाति है झारखंड का, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यह है डिस्प्ले, ये थोड़ा सामने से देखते हैं, लोहे से जुड़े हुए चीज़ें हैं ये लोग बनाते हैं, आप देख सकते हैं। तो उनका लाइफस्टाइल यहाँ दिखाया गया है, कैसे वो रहते हैं, उनका पहनावा, लालन पालन कैसे करते हैं बच्चों का, अपना जीवन यापन कैसे है, यह सारा चीज़ यहाँ पर बताया गया है। और इस तरफ कुछ पेंटिंग सब है, आप देख सकते हैं, चलिए थोड़ा सा दिखा लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारा पेंटिंग भी लगा हुआ है, उसका नाम है यहाँ पर ट्राइबल कॉन्टेम्प्रोरी आर्ट, झारखंड का है ये। इस तरफ आप देख सकते हैं ये भी पेंटिंग जो है, नाम यहाँ पर सिर्फ पेंटिंग लिखा हुआ है, ये झारखंड का पेंटिंग है। तो अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर पेंटिंग जो है रखा गया है। और जनजातीय शोध संस्थान जो है यहाँ पर रांची में, इसी जनजातीय म्यूजियम यानी कि आदिवासियों से जुड़ा हुआ जो म्यूजियम यहाँ बनाया गया है मोरहाबादी रांची में, तो उसी के अंदर में जनजातीय कल्याण शोध संस्थान जो है वो भी यहाँ पर है। ये देख सकते हैं आप, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आदिवासियों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अभी भी आप गांव देहात में जाइएगा तो आपको ये सब चीज़ें कुछ कुछ दिख जाएंगी, और कुछ दुर्लभ चीज़ें अभी धीरे धीरे जिनका प्रयोग बंद हो रहा है तो उनको यहाँ पर अच्छे से संजो कर रखा गया है। ये रस्सियों के द्वारा बनाया गया है, कितना अच्छा कलाकृति है ये वाला। सब पेंटिंग्स जो हैं ट्राइबल पेंटिंग्स, और कुछ तस्वीरें जिनमें आप आदिवासियों के रहन सहन को जान सकते हैं। इधर कुछ रखा हुआ था लेकिन वो सबको अभी खाली किया गया है, हो सकता है उसका मेंटेनेंस का काम कर रहा होगा। माल पहाड़िया, ये प्रिमिटिव ट्राइब है झारखंड का, तो उसका यहाँ पर जानकारी दिया गया है, माल पहाड़िया। और डिस्प्ले में देखिए उनका रहन सहन, कैसे वो रहते हैं, पहनावा क्या है, क्या कुछ करते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, ये सारा चीज़ यहाँ पर बताया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वाद्य यंत्र जो है वो सब यहाँ पर देखने को मिल रहा है डिस्प्ले में। यहाँ पर टेबल में कुछ डिस्प्ले लगाया गया है, देखिए ये वाला भगवान बिरसा मुंडा कॉम्प्लेक्स जो है उलिहातू रांची में, उसी का यहाँ पर डिस्प्ले यहाँ पर टेबल में बनाया गया है। यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा भी लगी हुई है और उनके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। आदि मानव, ये देख सकते हैं आप, यानी कि जहाँ से मनुष्य जीवन की शुरुआत हुई थी, लोगों का जहाँ से जीवन आगे बढ़ा था उसी को यहाँ पर दिखाने को किया गया। देखिए गुफा में किस तरीके से रहते थे, कैसे अपना जीवन बिताते थे, पहनावा, खाने पीने के लिए क्या इंतजाम करते थे, यह सब चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आपको साइन करना होता है। यहाँ पर और भी कुछ जनजाति के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, भूमिज जनजाति है ये झारखंड का, भूमिज जनजाति का डिस्प्ले यहाँ पर इस वाले में लगाया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर उसका ऊपर में उसका जानकारी, और अंदर डिस्प्ले में आप देख सकते हैं नीचे भी उसके बारे में लिखा गया है, और मूर्तियों के माध्यम से देख सकते हैं आप, दिखाया गया है कैसे रहन सहन होता है, पहनने ओढ़ने का क्या है, महिलाएं और पुरुष क्या क्या काम करते हैं, ये सब जान सकते हैं। इस तरफ है बेदिया जनजाति के बारे में, ये देख सकते हैं आप, झारखंड का एक जनजाति है बेदिया जनजाति, उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है।
कैसा उनका जीवन होता है, क्या कुछ करते हैं, पहनावा, रहन सहन, ये सारा कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। इधर है गोंड जनजाति के बारे में। ये गोंड जनजाति झारखंड का एक जनजाति है, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दिया गया है और उसका डिस्प्ले लगाया हुआ है, आप उनके जीवन को समझ सकते हैं यहाँ पर देख के, कैसा उनका घर द्वार होता है, क्या पहनते हैं और जीवन यापन का तरीका क्या होता है, ये सारा कुछ यहाँ देख सकते हैं। अगला है इधर खरवार जनजाति। तो उसका डिस्प्ले यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, देखिए। खरवार जनजाति का रहन सहन, उनका लाइफ स्टाइल, जीवन शैली क्या है, क्या पहनते हैं, कैसा जीवन जीते हैं, ये आप समझ सकते हैं इसमें देखकर। इस तरफ है खोंड जनजाति के बारे में है, ये देख सकते हैं आप डिस्प्ले में, उसका लिख कर उसका वहाँ पर जानकारी दिया गया है। और खोंड जनजाति जो है झारखंड की जनजाति, वो कैसे रहती है, उनका जीवन यापन कैसे होता है, उनका रहन सहन क्या है, घर कैसा बनाते हैं, महिलाएं क्या करती है, पुरुष क्या करते हैं, ये देख सकते हैं। मछली का जाल उल रखा हुआ है, मछली पकड़ने का जो भी सामान है वो सब यहाँ पर दर्शाया गया है। खोंड जनजाति का था ये, खोंड जनजाति। और इधर है सोरिया पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया का बारे में जानकारी दिया गया। सोरिया पहाड़िया का रहन सहन, वो क्या करते हैं, देखिए उनका पहनने का तरीका, उनका रहन सहन, ये सब जान सकते हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर जो बैलगाड़ी का पहिया का डिजाइन का यहाँ पर बनाया गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये सब। ये जो आप लकड़ी का देख पा रहे हैं, ये खेती में प्रयोग में लाया जाता है, ये वाला देखिए, ये वाला अभी भी गांव में जाइएगा तो ये वाला खेती के टाइम में ऐसा चीज़ सबका प्रयोग में लाया जाता है। इधर कुछ दीवार में पेंट उंट करके बनाया गया है, इस तरफ भी आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का, यहाँ पर डिस्प्ले के माध्यम से जो जनजाति सब है उस सबको, उसका जो लाइफ स्टाइल है, जीने का तरीका, वो सारा कुछ यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। इस म्यूजियम का पूरा वीडियो आपको चार अलग अलग भागों में देखने को मिलेगा, तो इस म्यूजियम का अगला भाग भी आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।